जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से 9 और 10 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस बिल्कुल सिंपल है, हमने सिंपल कपड़ा लेके उसके ऊपर इस तरह से लेस लगा के इस ड्रेस को बनाया। तो चलो हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपनी पट्टी काट ली है। ये पट्टी मैंने 42 इंच लंबाई के लिए और इसकी चौड़ाई मैंने 6.5 इंच चौड़ाई के लिए, इसके साथ का मैंने नीचे लगाने के लिए अस्तर भी काट लिया है, ये भी हमारी पट्टी के बराबर है। उसे लगाने के लिए मैंने इस तरह की लेस ली है, इस लेस को अपने सीधी पट्टी पे लगाएंगे और इसी की हम चोली बनाएंगे। तो सबसे पहले अपनी पट्टी और लाइनिंग को 3 साइड से हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे इसके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने इसकी तीनों तरफ सिलाई कर ली है। अब इसके कोनों को हल्का सा कट कर देंगे और इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह सीधा करके इसके ऊपर हम लेस लगा देंगे। तो हमारी ये जो चौड़ी वाली लेस है, इस लेस को इस तरह से इसके ऊपर हम 2 सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। एक सिलाई हम नीचे लगाएंगे, फिर यहां से इसकी मुड़ाई करके ऊपर की तरफ इसमें 1 सिलाई लगा के इसमें इस लेस को मैं लगा लेती हूँ। फिर इसके बाद इसके अंदर हम प्लेट्स डालेंगे। इससे मैंने अपनी लेस को 2 सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लिया। इससे हमारी ये घेरे की पट्टी तैयार हो गई है। अब इस पट्टी के अंदर हम प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स हम इस तरह से डालते हैं, मैंने ऊपर भी 1 सिलाई लगा ली है जिससे बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी ये प्लेट्स डल जाएंगी। इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाते चलेंगे। चाहे तो आप इसे प्लेट्स को ऐसे पिनअप भी कर लें जिससे बिल्कुल आसानी से आपके प्लेट्स डल जाएंगी। इस रेसिपी के अंदर पूरी पट्टी में प्लेट डाल के ऊपर तरफ सिलाई लगा के इसे मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैं अपने घेरा नीचे से हमने तैयार कर लिया। इसकी लंबाई हमारी 6 इंच तैयार हुई है, जो तैयार इसका 5.5 हो जाएगा हमारा। इस तरह से हमारा ये घेरा तैयार हो गया। अब इसके ऊपर की हम पट्टी बनाएंगे। पट्टी बनाने के लिए मैंने अपने लेस का पीस लिया है। इस तरह से मैंने एक लेस का पीस लिया है, ये हमारा 17x2.5 इंच का है। तो इसे हमें 2.25 इंच तैयार करना है। तो बीच में इस लेस के मैं यहाँ पे एक पतली सी इस तरह से पट्टी डाल के इसके ऊपर एक सिलाई कर दूंगी। तो हमारे 2.25 इंच की पट्टी तैयार हो जाएगी। और जिस तरह से हमने अपनी घेरे के अंदर नीचे अस्तर लगाया, उसी तरह से अपनी पट्टी के अंदर भी मैं अस्तर लगा के इसके दोनों तरफ सिलाई करके इसे कंप्लीट कर लूंगी। बीच में पट्टी के ऊपर एक इस तरह से बारीक फोल्ड करके इसके ऊपर एक लाइन लगा के 2.25 इंच की चौड़ाई पट्टी की तैयार कर लूंगी। इससे मैंने अपनी दोनों पट्टी तैयार कर ली है। अब इसकी हम चोली बनाएंगे। तो आगे की तरफ से इसके अंदर हम लगभग 1.5 इंच तक इसकी इस तरह से सिलाई कर देंगे। तो आगे की सिलाई हो जाएगी। फिर इस तरह से दोनों बाजू को पकड़ के यहाँ पे 1 इंच की सिलाई यहाँ लगा देंगे। इस तरह से दूसरी बाजू की सिलाई करेंगे। इस तरह से हमारी चोली तैयार हो जाती है। इस तरह हमारी ये चोली कंप्लीट हो गई है। अब इसे इस तरह से अपने घेरे को ऊपर हम सिलाई कर देंगे। तो इसकी मैं घेरे के ऊपर सिलाई करके अपनी ड्रेस को कंप्लीट करती हूँ। इससे हमने अपनी चोली को घेरे से अटैच कर लिया है और हमारी ड्रेस इस तरह से कंप्लीट हो गई है।
ये हमारी 9 और 10 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।